वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाय हेमंत कुमार। आज हम लोग देखेंगे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो BCCLE के स्टूडेंट है, जो डिप्लोमा करके BCCLE में मतलब BCCLE का एग्ज़ाम देते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बिहार इंजीनियरिंग में, उसको कितना फ़ी लगता है 3 साल के दौरान पढ़ने में, फिर उसके बाद लैपटॉप फी, मतलब पूरा पढ़ने में कितना खर्चा आता है वो मैं बताऊंगा आपको। मैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन ले रहा हूँ, मेरा भी कॉलेज है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर, तो लोन लेने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए बोनाफाइड की ज़रूरत होती है और फी स्ट्रक्चर की। तो मैं आपको फी स्ट्रक्चर अपना दिखा रहा हूँ कि हमको जो कॉलेज बना के दिया है 3 साल के दौरान जो आपको खर्चा होगी, मतलब पढ़ाई लिखाई के दौरान जो आपको खर्चा लगेगा वो उसका फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पर। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर कैंपस ऑफ बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब बख्तियारपुर, भोजपुर, बक्सर तीनों कॉलेज का तो यही फी स्ट्रक्चर होगा सेम, मगर पूरा बिहार का जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज सब का फी स्ट्रक्चर यही होगा, क्योंकि सब कॉलेज में 3700 रुपया फॉर्म भरने में लगता है, सब कॉलेज में एडमिशन फी 10 रुपया लगता है। तो इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि बिहार, पूरा बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन जो BCCLE के छात्र होंगे उसको इतना रुपया खर्चा लगेगा, क्योंकि इसमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का दिया हुआ, फर्स्ट ईयर का नहीं दिया हुआ। जो JEE Mains के थ्रू बिहार इंजीनियरिंग में आते हैं उसके लिए यह फी स्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए अलग फी स्ट्रक्चर होगा। तो मैं आपको BCCLE से जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उसके लिए यह फी स्ट्रक्चर है, तो आप लोग देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, टू हुम इट मे कंसर्न, दिस इज सर्टिफाइड बाय हेमंत कुमार, SODO संजय कुमार, मतलब मेरे पापा का नाम संजय कुमार है, रोल नंबर इतना है मेरा, ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ए बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, प्रेजेंटली ही इज सीइंग इन थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में दिया हुआ है, सेकेंड ईयर ऑफ BTEC, थ्री ईयर्स लेटरल एंट्री कोर्स फॉर द एडमिशन 2001 and 2022। यहाँ एडमिशन फ़ी है, देखिए एडमिशन फ़ी 10 10 10, सब मिला के 30 रुपया, ट्यूशन फ़ी एंड डेवलपमेंट फ़ी 206020, सब अलग अलग ईयर में 700, टोटल मिला के 708060। एग्जामिनेशन भी 7400, 7400, सब मिला के 22200। रजिस्ट्रेशन फ़ी 2100, एक वन टाइम मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी, थर्ड ईयर में फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं होगा, फोर्थ ईयर में नहीं, 2100 लगेगा। लैपटॉप फ़ी आपको वन टाइम देगा 3600 रुपया, लैपटॉप फ़ी जो होगा वो आपको वन टाइम देगा 3600 रुपया। इसे मिटाते कैसे हैं ये, इसे मिटाते कैसे हैं, मिट गया, देखिए रजिस्ट्रेशन फ़ी 2100, रजिस्ट्रेशन फ़ी 2100 है, फिर क्या करता है वन टाइम है, तो फिर लैपटॉप फ़ी 36000 है, आपको वन टाइम देना पड़ेगा लैपटॉप फ़ी, स्टडी मटेरियल बुक्स देना पड़ेगा आपको, देगा वो आपको 10000। जब आप लोन लीजिएगा तो इतना रुपया आपको फ़ी स्ट्रक्चर बना के देगा, इतना खर्चा होता है आपको 10000 स्टडी मटेरियल बुक्स में, वन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब में 10000, 30000। फिर प्रोजेक्ट वर्क की अदर इंस्टीट्यूशनल चार्ज, प्रोजेक्ट जो बनाते हैं आप लोग, आपको तो सेकंड ईयर में बनाना नहीं पड़ता है प्रोजेक्ट, थर्ड ईयर में बनाना नहीं पड़ता है प्रोजेक्ट, फोर्थ ईयर में बनाना पड़ता है, तो उसमें 15000 इक्विपमेंट खरीदते, जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए इक्विपमेंट जो खरीदते हैं उसमें 15000 लग ही जाता है, क्या कि अगर मान के चलिए कि कुछ इक्विपमेंट ख़राब हो गए तो 15000 इस प्रोजेक्ट इक्विपमेंट का दाम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। आप देखे होंगे जब आप डिप्लोमा में बनाए होंगे प्रोजेक्ट तो आपको खुद पता चल गया होगा कि कितना हाई होता है, तो 15000 लगेगा टोटल, 15000 वन टाइम देगा फोर्थ ईयर में। स्वयं या ऑनलाइन कोर्स फी अदर इंस्टीट्यूशनल चार्ज, स्वयं होता है इसमें, हम लोग डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे तो किसी किसी कॉलेज में किसी किसी के टीचर आप लोगों को MPTL कोर्स करवाए होंगे, जो AICTE से अप्रूव्ड होता है और भारत सरकार से भी अप्रूव्ड होता है और बिहार सरकार से भी, तो प्रोजेक्ट वर्क स्वयं जो होता है, स्वयं हम लोग को इस BTEC में स्वयं सिलेबस के अंदर दिया हुआ था, अगर हम स्वयं नहीं करेंगे तो हम लोग को सब्जेक्ट में कैरी लग जाएगा। स्वयं के लिए 15000 सेकेंड ईयर में दिया जाता है, उसके बाद थर्ड ईयर में नहीं है, नहीं दिया जाता है, वन टाइम दिया जाता है, फोर्थ ईयर में नहीं दिया जाता,
इंडस्ट्रियल टूर एंड इंटर्नशिप अदर इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल टूर या इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के लिए भी हम लोग के सब्जेक्ट में होता है, उसमें भी हम लोगों को 20,000 दिया जाता है सेकेंड थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में नहीं दिया जाता है, थर्ड फोर्थ ईयर में नहीं दिया जाता है। ब्रांच स्पेसिफिक लर्निंग सॉफ्टवेयर 30,000। ब्रांच स्पेसिफिक हम लोगों के ब्रांच रिलेटेड जो लर्निंग सॉफ्टवेयर है उसको खरीदने के लिए 30,000 रुपया सेकेंड ईयर में दिया जाता है वन टाइम। यूनिफॉर्म या अदर इंस्टीट्यूशनल चार्ज, किसी किसी कॉलेज में यूनिफॉर्म होता है, किसी किसी कॉलेज में नहीं होता है, मगर अगर बोनाफाइड हम सर्टिफिकेट या फी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें यूनिफॉर्म फी दर्शाना निश्चित होता है, तो यूनिफॉर्म में 10,000 दिया जाता है, 10,000 सब मिला के टोटल जोड़िएगा तो आप 188,190 रुपया 3 साल के दौरान आपको खर्चा होता है पूरा बिहार इंजीनियरिंग में पढ़ने के दौरान। फिर हॉस्टल या मेस चार्ज का, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें कितना चार्ज लगता है। तो ये आपका था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर और बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर, तीनों का कॉलेज, तीनों कॉलेज का कैंपस एक ही कॉलेज में चलता है बख्तियारपुर में, जो कि देदौर में है। बख्तियारपुर पटना के जिला के अंतर्गत आता है, आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 3 लाख ये जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोग लेते हैं उसके बाद जो हम लोगों को कॉलेज बना के सर्टिफिकेट देता है फी स्ट्रक्चर वाला, तो इसी में ये दर्शाया गया कि 188,190 रुपये खर्चा होता है। इसको हम कम बेसी कर सकते हैं, मतलब कि अपने अनुसार, अगर हम नहीं लेते हैं लोन तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे कम ही खर्चा होता है लगभग, जैसा कि हम जानते हैं। मगर 188,000 है तो 150,000 के लगभग खर्चा हो जाता होगा हम लोगों को 3 साल के अंतर्गत। तो इसी के साथ मैं अपना आप लोगों को मैं बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर नहीं ले अगर मान के चलिए आपको PDF चाहिए तो इसका मैं ये मेरे WhatsApp पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।